सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं ड्रंकॉल टेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये iPad Air 4 जो कि फोर्थ जनरेशन वाला है। तो एक्चुअली मैं इससे बहुत सरप्राइज था जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि इसमें पहला डिवाइस था ये जिसपे A14 बायोनिक चिप आपको देखने को मिलता है iPads में। तो एक्चुअली मैं इसको कंपेयर कर रहा था iPad Pro से, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन मिलती है उसमें आपको, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, और बहुत कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला मुझे इसमें और iPad Pro में, और जो प्राइस डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि दिस लुक्स, मतलब ये ज़्यादा लॉजिकल मुझे लगा ख़रीदना iPad Pro के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे क्यों बाय किया और क्या प्रोज और कौन से इसके, और क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं iPad Pro और इसमें। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं इसकी, उसके बाद मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करूँगा, और कुछ गेम्स भी मैं आपको इस पर खेल के दिखाऊँगा जो कि ज़्यादातर इस पर लोग खेलते हैं, जो जो गेम्स जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया और एसफॉल्ट 9 हो गया, सब मैं खेल के आपको इस पर दिखाऊँगा और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बताऊँगा। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो मैं अगर बात करूँ अपने फ़र्स्ट इम्प्रेशंस की, तो इसका जो ग्रीन कलर है मुझे काफ़ी पसंद आया, जैसे कि आप देख सकते हो मैट ग्रीन कलर है, तो बहुत ही पसंद आया मुझे। ऊपर एक कैमरा आपको देखने को मिलता है, सिंगल कैमरा, और नीचे आपको कनेक्टर पिन्स देखने को मिलते हैं। और मैं अगर ये ग्रिल की बात करूँ तो आपको इसमें स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलता है, और आगे में भी स्पीकर देखने को मिलता है दोनों साइड पर। और ये आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम भी करता है, टच आईडी, और इसमें आपको मतलब पावर बटन भी है और टच आईडी भी आपको इनबिल्ट मिलता है। फिर यहाँ मैं अगर बात करूँ तो आपको यहाँ ऊपर देख सकते हो कि आपको दो बटन्स देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम रॉकर, और नीचे आपको वही चार्जिंग देखने को मिलता है, चार्जिंग पोर्ट। और अगर मैं इसे ऑन करूँ तो आपको 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि अगर 120 से कंपेयर करो तो थोड़ा तो अंतर पता चलता ही है, लेकिन अगर सिर्फ आप इसे यूज़ कर रहे हो और आपने 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं यूज़ की है तो बहुत ही आपको खास डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कंपेयर नहीं किया इसलिए। लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे इससे और iPad Pro को, तो आपको अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए वो एक डिफरेंस है, बाकी आपको आपको इसमें A14 बायोनिक देखने को मिलता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो और आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जैसे आप दो ऐप एक साथ यूज़ करना चाहते हो तो फिर ऐसे स्लाइड करो साइड में, और इधर आप अपने अनअकैडमी या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, इधर आप नोट्स भी बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, और एक्चुअली मैंने अभी इस पर पेन यूज़ नहीं किया, तो अभी मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकता हूँ आपको अभी, लेकिन हाँ अब बहुत ही फ्लूइड है, कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं आई। और कुछ गेम्स भी मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एसफॉल्ट 9 शुरू करता हूँ, तो मैंने एक्चुअली खेल के देखा इस पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आता है आपको। कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला है, पबजी भी खेला है, तो कोई भी स्टटर देखने को नहीं मिलता आपको, कॉन्स्टेंट 60 FPS के अराउंड आपको मिल जाता है। उससे ज़्यादा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसके डिस्प्ले है भी नहीं, 60 Hz का डिस्प्ले है तो आपको तय मिलेगा। तो चलिए फॉर डेमो के लिए देख लेते हैं एक गेम के लिए, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं, एक्चुअली लगता है ब्लूटूथ कनेक्टेड है।
काफ़ी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और इतने बड़े स्क्रीन होने के कारण बहुत ही इमर्सिव फील आ रही है। और मैं अगर कोई गेम्स शुरू करूँ जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एक्चुअली ये अपडेट मांग रहा है, तो डेमो देने के लिए मान लीजिए मैं मॉर्टल कॉम्बैट स्टार्ट करता हूँ। तो एसफॉल्ट 9 में आपने जैसे देखा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लैग या कोई भी स्टटर देखने को नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका जो चिप है वो बहुत ही पावरफुल है A14 बायोनिक, तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी गेम में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने पबजी भी खेला इसमें, लेकिन फिलहाल तो फौजी में खोज रहा था इसमें क्योंकि 26 हो चुका है, लेकिन फौजी आपको ऐप स्टोर पर भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही आएगा मैं उसका भी रिव्यू दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, अगर वो देखना है तो। ये हो रहा है मॉर्टल कॉम्बैट लोड, एक गेम खेल के देखते हैं इसके लिए।
कॉल ऑफ ड्यूटी, इसके लिए आपको वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। पिंग बहुत हाई आती है वीपीएन यूज़ करने के बाद इसमें पबजी में, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा इस पर। लिविक ही खेल के देखता हूँ। इसमें भी कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। 60 FPS आपको मिल रहा है लगभग। सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैं आपको, स्मूथ और एक्सट्रीम पे किया हुआ। पिंग आप देख सकते हैं बहुत ही हाई आ रही है क्योंकि मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए तो बहुत मुश्किल है खेलना ये गेम फिलहाल। Thank you.
तो उम्मीद है आपकी मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में अगर बात करूँ तो मुझे इसका जो कलर है वो मैंने ग्रीन कलर लिया है, मिंट वाला जो ग्रीन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और मैंने अभी इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर या कुछ नहीं लगाया, तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मजेज आपको देखने को मिलेंगे इस पर। तो बाकी ओवरऑल ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और मतलब बहुत ही डिज़ाइन स्लीक है। और आप मतलब iPad Pro और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बेजल्स की भी बात करूँ तो सेम बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें और उसमें भी। तो और एक और बात है इसमें कि फेस आईडी नहीं, आपको यहाँ पर टच आईडी देखने को मिलती है। तो आप इसे क्लिक करोगे, मतलब क्लिक नहीं, होल्ड करोगे तो आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाता है, और जो कि बहुत ही एक्यूरेट है और फास्ट है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फीचर। जैसे कि फेस आईडी आप बहुत सारे मल्टीपल इसमें फिंगरप्रिंट्स ये कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे ये टच आईडी जो है वापस आ गई है। तो दैट्स इट गाइस, यही था वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और कोई सजेशन हो और या फिर कोई अलग से इसकी वीडियो आपको देखनी हो इसके कोई फीचर के बारे में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।